सरगुजा जिले के अंबिकापुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत भिट्ठी कला में महिला सरपंच को निष्कासित किए जाने के बाद आज पुनः सरपंच पद का चुनाव ग्राम पंचायत के पंचों द्वारा किया गया, जिसे लेकर काफी गहमागहमी की स्थिति बनी हुई थी। दरअसल ग्राम पंचायत भिट्ठी कला के पूर्व महिला सरपंच जमुनिया के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरपंच पद पर पदेन होने का आरोप लगाकर एसडीएम कार्यालय में शिकायत की गई थी, जहां जांच के उपरांत सरपंच महिला जगमुनिया को पद से निष्कासित कर दिया गया। यहाँ कार्रवाई सरपंच के लिए आए हुए थे और उसमें सरपंच का क्या है, सभी समस्त 20 पंच थे उनके उपस्थिति में हुआ। अब न्यायालय का बात को तो मैं नहीं जान रहा हूँ क्या हुआ, बस अधिकार बोले जाओ वहाँ पर निर्वाचन कराते हैं। हमारा जो पंचायत अधिनियम की धारा 38 है ना, तो उसमें जो प्रावधान है उसके अनुसार किए हैं। श्रीमती गीता उसके पक्ष में 4 पंच थे और श्रीमती सुनीता उसके पक्ष में 14। आज पुनः सरपंच पद के लिए पंचों के द्वारा ग्राम पंचायत भवन में सरपंच चुना गया। इस दौरान काफी गहमागहमी की स्थिति बनी हुई थी। पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे। कार्यवाहक सरपंच निर्वाचित होने पर ग्रामीणों द्वारा आरोप प्रत्यारोप भी लगाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस महिला सरपंच को जाति प्रमाण पत्र के लिए निष्कासित किया गया, उसी परिवार के उसी जाति की महिला पंच को सरपंच बनाया गया। इसे लेकर ग्रामीणों में काफी संतोष है और मामले की शिकायत अब एसडीएम न्यायालय में करने की तैयारी में है। आरोप ये है कि जो उसी किसान वर्ग का है, उसी किसान वर्ग का चुना गया है इसमें, जबकि हम लोग पहले भी बोले थे कि जो निष्कासित हुआ है वो वर्ग का नहीं रहेगा, लेकिन पीठासीन अधिकारी माने नहीं और लिखित आवेदन भी दे रहे हैं, आवेदन भी नहीं ले रहे हैं। तो वही उन्हीं जुगमुनिया बाई का परिवार का ही नहीं, सुनीता बाई नगेश उसी को चुना गया है। हम लोग तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सर्टिफाइड देखा है और अपना पद ग्रहण करे, सीधी सी बात है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अंबिकापुर द्वारा सरपंच का पद नियुक्त शून्य किया गया है उनके पद को, तो उसके लिए कार्यवाहक सरपंच के लिए आज चयन प्रक्रिया थी और चयन प्रक्रिया में मतदान जो होना था वो पंचों के माध्यम से ही होना था। दो प्रत्याशी सामने आए थे जिसमें श्रीमती गीता सिंह खैरवार और दूसरी सुनीता, और जिसमें गीता सिंह खैरवार को 4 पंचों द्वारा सहमति दी गई और सुनीता को 14 पंचों की सहमति दिया गया। हाँ है परिवार की, मगर ये है कि जैसे वो भी पंच पद पे आई होंगी तो वो भी चुनाव लड़के आई होंगी, है ना, तो आदिवासी सीट पे ही आई होंगी। तो जैसे वो अब ये क्या है कि हम यहाँ पे किसी की जाति के संबंध में टिप्पणी नहीं कर सकते, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो जैसे अगर यहाँ पे अगर किसी को आपत्ति है तो वो आगे बिल्कुल न्यायालय में जाके अपना प्रस्तुत लिखित आवेदन जो भी देना है दे सकते हैं।